Welcome to Commerce Education Hub by Prachi, and this is Prachi. So today we are here to study about the importance of coordination. आज हम coordination के importance के बारे में पढ़ेंगे, and it is the part 4 of unit 2 coordination. ठीक है? तो चलिए start करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि coordination की ज़रूरत कहाँ पड़ती है. ठीक है? सबसे पहले देखते हैं size of the organization कि आपकी organization की क्या size है. ठीक है? तो वो और वो size को आप कैसे increase कर सकते हो? तो द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. भाई कोऑर्डिनेशन तो वहीं पे एप्लीकेबल होगा ना जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. जब भाई वर्कर्स बढ़ेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयज बढ़ते चले जाएंगे, तो फिर मैनेजर को भी जरूरत होगी ना, मैनेजर को भी रिक्वायरमेंट होगी कि वो उन सभी वर्कर्स के बीच में एक यूनिटी बनाए, उन सभी को इंटीग्रेट करें. ठीक है? उन सभी को एक सिंगल गोल की तरफ फॉर्मुलेट करें. सो दैट्स वाई साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कोऑर्डिनेशन का. ठीक है? बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग. ठीक है? जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ पर्सन्स ज़्यादा होते हैं. ठीक है? सो ईच इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन नीड एंड ऑब्जेक्टिव. तो भाई जब वर्कर्स ज़्यादा होंगे, काम करने वाले ज़्यादा होंगे, तो अपनी अपनी उनकी नीड्स, वॉन्ट्स, उनकी इच्छाएँ अपनी अपनी अलग होंगी ना, अपनी ओन नीड्स होंगे, उनके अपने खुद के उद्देश्य होंगे, खुद के ऑब्जेक्टिव्स होंगे. तो वही वो अपने अपने सिंगल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वर्किंग करेंगे, ना कि कॉमन गोल से वर्क करेंगे. ठीक है? अपने इंडिविजुअल गोल को फुलफिल करने के लिए वर्किंग करेंगे. तो यहाँ पर क्या होता है, सो देयर इज मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर और द एफर्ट्स ऑफ दीज एम्प्लॉयज टुवर्ड्स कॉमन गोल. तो यहाँ पर ज़्यादा जरूरत पड़ती है. दैट मीन्स अगर इजी लैंग्वेज में समझें तो जितनी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स का साइज बढ़ा हुआ होता है, इंक्रीज होता है, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है. बिकॉज क्योंकि अगर जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे, सभी वर्कर्स की अपनी अपनी पर्सनल नीड्स होंगे, अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होंगे, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो भाई वो जब अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग करेंगे तो वो उसको टारगेट करेंगे ना, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का टारगेट करेंगे, ना कि कॉमन गोल का. तो दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है कि वो सभी एफर्ट्स को एक साथ लेकर आएँ, ब्रिंग टुगेदर और द एफर्ट्स ऑफ दीज एम्प्लॉय टुवर्ड्स कॉमन गोल, और उनके एफर्ट्स उनको कॉमन गोल की तरफ लेकर जाएँ. ठीक है? तो सेकेंड है हमारा फंक्शनल डिफरेंसेस क्या होते हैं. द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ठीक है? जब भाई डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं तो सभी डिपार्टमेंट्स के जो फंक्शंस होंगे, काम करने के जो प्रोसेसेस होंगे, जो फंक्शंस होंगे, वो भी डिफरेंट होंगे. सो सेक्शंस और डिवीज़न है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होगा, डिफरेंट सेक्शंस और डिवीजन्स में वो सभी फंक्शंस डिवाइड किए हुए होते हैं. ठीक है? भाई तुम्हारी ये वर्किंग है, तुम्हारी ये वर्किंग है, तुम्हारी ये वर्किंग है. परचेज डिपार्टमेंट की क्या है, रॉ मटेरियल को परचेज करके लाना है ना. सेल डिपार्टमेंट की सेलिंग का है. टॉप लेवल मैनेजमेंट का प्लान पॉलिसीज बनाना है ना. मिडिल लेवल का क्या है कि जो मतलब बैकेंड प्लेस है वहाँ पर रिक्रूटमेंट करना पीपल्स की. तो भाई सबके अलग अलग फंक्शंस है ना, तो वो यही कह रहे हैं कि इज डिपार्टमेंट वर्क इन isolation by giving more importance to it. एक मिनट इसको मैं रोटेट कर लूँ. जस्ट वेट. हाँ, ओके. सो मोर इम्पोर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव. ठीक है? बट इन एक्चुअली प्रैक्टिस दिस डिपार्टमेंट आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट. सो देयर इज मोर नीड टू रिलेट एंड ब्रिंग टुगेदर. द कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंसेज अमंग डिपार्टमेंट्स. जब वो कह रहे हैं कि एक्चुअली में क्या होता है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना इंटरलिंक्ड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि भाई वो सोचेगा कि मैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे मैनेजर हूँ, वो बोलेगा कि मैं लोअर लेवल पे हूँ, वो बोलेगा कि मैं टॉप लेवल पे मैनेजर हूँ. तो भाई अपने अपने चलाएंगे ना तीनों डिपार्टमेंट के मैनेजर. तो यहाँ पर क्या होगा कि वो इंटरलिंक तो होते ही भाई एक दूसरे से, और इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं. तो इस जगह पर उन सभी के सजेशंस को एक साथ लाना ज़रूरी है. ठीक है? उन चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बिठाना ज़रूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके डिफरेंसेस को कम करना. ठीक है? ताकि उन लोगों के बीच में ऐसी कोई थिंकिंग हो तो वो दूर हो जाए, और उनके बीच में अमंग डिपार्टमेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेज हैं वो कम हो जाए. ठीक है? अब आगे देखते हैं स्पेशलाइजेशन. इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. जितने भी लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर स्पेशलाइजेशन हाई डिग्री पर होती है. देखते हैं कैसे. एंड द स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स फील दैट दे आर द
ओनली क्वालिफाइड पीपल्स एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन इन राइट डायरेक्शन. इफ ऑल द स्पेशलिस्ट वर्क इन देयर ओन वे इट रिजल्ट कन्फ्यूजन. सो देयर इज नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन. देखिए स्पेशलाइजेशन मतलब जितनी भी लार्ज लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि एक हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन के पीपल्स चाहिए होते हैं. मीन्स उनके पास अपनी खुद की बहुत अच्छी स्किल होती है, अपनी खुद का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, एक्सपर्ट्स भी होते हैं. तो वो कभी कभी क्या सोचते हैं कि और वो क्वालिफाइड पीपल्स होते हैं, वो सोचते हैं कि वो जो कुछ भी सोचेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे वो राइट डिसीजन होगा, ठीक है, और राइट डायरेक्शन में डिसीजन लेंगे. तो कभी कभी अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस करके सजेशंस करते हैं, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस करके डिसीजंस को लेते हैं. तो उसमें क्या होता है कभी कभी अगर वो स्पेशलिस्ट वर्किंग अपने अपने तरीके से करेंगे तो उससे क्या होगा, रिजल्ट कन्फ्यूजन ही आएगा, ठीक है भाई. वो समझ रहे हैं कि मैं ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हूँ, मैं ज़्यादा स्किल्ड पर्सन हूँ, मैं ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हूँ. तो उससे क्या होगा, तेरे मेरे के चक्कर में वो अपने अपने डिसीजंस रखेंगे, अपने अपने डिसीजंस देंगे और उनको लगेगा कि भाई मेरा डिसीजन राइट डायरेक्शन में जा रहा है, वो बोलेगा मेरा डिसीजन राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और दोनों ही जो सजेशंस दिए जाएंगे मैनेजर को वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होंगे. सो दैट्स वाई यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ताकि वो दोनों अगर कुछ सोचें तो एक कॉमन डायरेक्शन में को ध्यान में रखते हुए थिंक ओवर करें, ठीक है. तो ये तो था हमारे स्पेशलाइजेशन. तो ये हमारे इम्पोर्टेंस थे, ठीक है, कि साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंस क्या था ये समझ में आ गया, और स्पेशलाइजेशन क्या था, ठीक है. तो अब आगे देखते हैं, एक सेकेंड, चलिए. सो ये हमारा मैं यहाँ पे डिफरेंस बताने जा रही हूँ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है. कोऑर्डिनेशन इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स अगर आप मीनिंग वाइज समझें तो वो क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको एक साथ लेकर आना. मीन्स उनको ब्रिंगिंग इंट्रीग्रेट कर देना, एक साथ एकीकरण कर देना उन सभी एक्टिविटीज़ का, ताकि वर्कर्स एक साथ वर्किंग करें कॉमन डायरेक्शन को लेके. और कॉरपोरेशन का क्या यहाँ पर मीनिंग है, इट इज़ थ्रू वॉलेंट्री एफर्ट्स टू इंडिविजुअल टू वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर. यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि कॉरपोरेशन में क्या होता है, कॉरपोरेट करना, ठीक है, अपने इंडिविजुअली एफर्ट्स डाल रहा है कोई बंदा, और एफर्ट्स डालने के बाद वर्क भी साथ में कर रहा है, बट एक दूसरे की हेल्प करके, मीन्स कॉरपोरेट कर रहा है. अगर उसको ये चीज़ नहीं आ रही है सेकेंड पर्सन को, तो फर्स्ट पर्सन क्या करेगा, उसको कॉरपोरेट करेगा कि भाई तुम इसको गलत कर रहे हो, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है. तो पूरा पूरा कॉरपोरेशन होता है, ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, साथ में वर्किंग करना, और कॉरपोरेशन में जो बंदा पर्सन है उसको कोई चीज़ अगर नहीं आ रही तो उसके वर्किंग में हेल्प करना, ठीक है, हेल्प ईच अदर. सेकेंड क्या होता है, इट इज़ कॉन्शियस एंड डिलिबरेट एक्शन, ठीक है, एक्शन ऑफ मैनेजर. कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जो कुछ भी, एक मिनट, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जो कुछ भी मैनेजर थिंक ओवर करता है, ठीक है, वही एक्शन लिया जाता है. बट कॉरपोरेशन में क्या है, ये वॉलेंट्री एफर्ट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, वॉलेंट्री एफर्ट्स हैं. यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉय अपने एफर्ट्स डालता है, ठीक है, अपने विचार, अपने थिंकिंग से एफर्ट्स डालता है. और यहाँ पर जो एक्शंस लिए जाते हैं वो मैनेजर के थ्रू लिए जाते हैं, ठीक है. थर्ड है हमारा, इट इज़ इंटरडिपेंडेंट अपॉन कॉरपोरेटिव एज इट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट इट. ये किस पर इंटरडिपेंडेंट है, कॉरपोरेटिव, सॉरी यहाँ गलत हो गया, कॉरपोरेटिव नहीं आएगा, कॉरपोरेशन आएगा. आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ठीक है, कॉरपोरेशन आएगा, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया लिखने में. सो इट इज़ इंटरडिपेंडेंट अपॉन कॉरपोरेशन एज इट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट इट. ये पूरा पूरा किस पर डिपेंड है, कॉरपोरेशन में, क्योंकि ठीक है ग्रुप एफर्ट्स डाल रहे हो आप, बट ऐसा थोड़ा ना है कि साथ में वर्किंग तो कर रहे हो, अगर किसी पर्सन से कुछ गलत हो रहा है या उसे कोई चीज़ आ नहीं रही है तो वो अपने ग्रुप में से किसी पर्सन से पूछ नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है ना. तो इसलिए कोऑर्डिनेशन के साथ साथ कोऑपरेशन ज़रूरी है. यहाँ पर देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं, इट इज़ डिपेंड अपॉन कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड है, इट इज़ नॉट मीनिंगलेस विदाउट इट, ये इसके बिना मीनिंगलेस है. तो वही चीज़ है कि बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है. जैसे इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी की मैनेजमेंट में ज़रूरत होती है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक तराजू बना के दिखाया था और बोला था कि अगर इसको आप इसमें ज़्यादा वजन रख दोगे और इसमें कम, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, है ना, या फिर ये ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो बैलेंसिंग नहीं होगा ना. तो क्या करना है भाई, प्रॉपर बैलेंसिंग के लिए उनको क्या करना है, प्रॉपर बैलेंसिंग के लिए उनको करना है कि दोनों को इक्वल रखें. मीन्स दोनों का जो वैल्यू है, दोनों की इंपॉर्टेंस है, दोनों तराजू की, ठीक है, तो उन दोनों में
इक्वलनेस होनी चाहिए, बैलेंसिंग होना चाहिए. सो दैट इज हेयर ऑल्सो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इज इम्पॉर्टेंट बैलेंसिंग मैनर. ठीक है, दोनों ही बैलेंसिंग मैनर में होना जरूरी है. अब आगे देखते हैं. हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब ये था हमारा फोर्थ. इट इंक्लूड्स कोऑपरेशन एंड हैंस हैज अ वाइडर स्कोप. ठीक है, ये कोऑपरेशन को इंक्लूड करता है जिसमें कोऑर्डिनेशन में कोऑपरेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है. ठीक है, वाइडर स्कोप है. और इट हैज़ अ नैरो स्कोप एज इट इज़ टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन. यहाँ पर नैरो स्कोप है, यहाँ पर कैसा स्कोप है वाइडर, और यहाँ पर कैसा स्कोप है नैरो. ठीक है, एंड द लास्ट इज कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल्स वर्किंग टुगेदर. कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, जहाँ पे लोग एक साथ वर्किंग करते हैं मिलकर. ठीक है, और यहाँ पर कोऑपरेशन इज अ वॉलेंट्री इन नेचर, है ना. इट अराइजेज ओनली व्हेन पीपल डिजायर टू वर्क टुगेदर. ये क्या होता है कोऑपरेशन में, क्या होता है अपनी इच्छा से वर्क कर रहा है वो. अपने कोऑपरेशन का नेचर ये होता है, वॉलेंट्री नेचर होता है, मीन्स इच्छुक अपनी इच्छा से जो वर्किंग कर रहा है. तो ये तभी अराइज होता है जब पीपल को डिज़ायर नीड होती है साथ में वर्किंग करने की. ठीक है, तो आई होप लर्नर्स आपको डिफरेंसेस भी समझ में आ गए हों और कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस समझ में आ गए हों. सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. थैंक यू लर्नर्स.